बात करेंगे मौसम की। मध्य प्रदेश में एक बार फिर झमाझम बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है कई हिस्सों में। सागर, होशंगाबाद, शहडोल संभाग के जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। बालाघाट, विदिशा और रायसेन में अति भारी बारिश की संभावना है। वहीं रीवा, सीहोर, सतना, राजगढ़, अलीराजपुर, झाबुआ, धार में बारिश को लेकर अलर्ट है। देवास, शाजापुर, अशोकनगर जिले में भारी बारिश की संभावना। रीवा, शहडोल, जबलपुर, सागर, इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद में भी अलर्ट है। ग्वालियर, भोपाल और चंबल संभाग में बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के चलते मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश के हालात बन रहे। मध्य प्रदेश में एक बार फिर झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने अति भारी बारिश और भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। हमारे साथ वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अजय शुक्ला जी हैं, सर से हम बात करेंगे। सर, क्या कुछ कारण हैं जिसके चलते भारी बारिश और अति भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया एक बार फिर प्रदेश में? एक हवा के कम दबाव का क्षेत्र जो है पूर्वी मध्य प्रदेश और उससे लगे हुए इलाके में बना हुआ है। इसके कारण साथ ही साथ जो है द्रोणिका भी जो है मानसून द्रोणिका सागर से होकर इस कम दबाव के क्षेत्र से होकर बंगाल की खाड़ी तक जा रही है, तो इनके संयुक्त प्रभाव के कारण पूरे मध्य प्रदेश में वर्षा होगी। विशेषकर पूर्वी मध्य प्रदेश और साथ ही साथ जो आपका होशंगाबाद और भोपाल संभाग है यहाँ पर भी जो है अच्छी वर्षा और कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। सर, जिस तरीके से आपने बोला बंगाली खाड़ी में एक सिस्टम है और एक द्रोणिका बनी है, तो पिछली जो सिस्टम है उन्हीं के इतना मजबूत है कि ये थोड़ा कम मजबूत है? किस तरीके से देखने को मिल सकती है बारिश? पिछले जो सिस्टम है बहुत मजबूत था और अति कम दबाव का क्षेत्र था और मध्य प्रदेश में ही वो करीब करीब 3 से 4 दिन तक रुका हुआ था, लेकिन इसके ज़्यादा रुकने की संभावना नहीं है। एक दिन रुकेगी, इसके बाद फिर ये रिकर्व ले लेगी। रिकर्व मतलब उत्तर प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगी, ये उत्तर प्रदेश की ओर ऊपर चली जाएगी, इसलिए इसका प्रभाव जो है कम रहेगा और विशेषकर जो आपका जो पूर्वी मध्य प्रदेश है इसमें इसका ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा और पिछले टाइप के सिस्टम के वैसे वर्षा होने की संभावना नहीं है। सर, अभी भी हम देख रहे हैं भोपाल और कई जिलों में लगातार बारिश, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, तो इसका प्रभाव जो है सिस्टम का कितने दिनों तक मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा? इसका प्रभाव कल जो है ज़्यादा रहेगा 23 तारीख को और 24 तारीख को फिर जो है उत्तर प्रदेश से लगे जो संभाग हैं जिसमें सागर और रीवा संभाग है वहाँ पर असर देखने को मिलेगा, बाकी भोपाल सहित बाकी जगह जो है उसका असर कम हो जाएगा। दीदी, ये थे वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अजय शुक्ला जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि अभी जो सिस्टम बना है उसका असर मध्य प्रदेश में करीब 2 से 3 दिनों तक देखने को मिलेगा और कई जिलों में जो है भारी बारिश और अति भारी बारिश भी हो सकती है। साथ में उनका ये भी कहना है कि अक्टूबर के सेकेंड वीक तक ये मानसून जो मध्य प्रदेश में है वो रह सकता है और जब तक बारिश का असर हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन भरत बुंदेला के साथ आकर्ष शर्मा।